दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इंस्टेंट पैन कार्ड की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको तुरंत ही पैन कार्ड चाहिए, तो कैसे आप तुरंत अपना पैन कार्ड बना सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को तुरंत ही पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आज ही मान लीजिए उनको पैन कार्ड की ज़रूरत है और उनके पास पैन कार्ड है ही नहीं, मतलब अगर वो पैन कार्ड बनवाने जाते हैं तो शॉप वाले बोलते हैं कि 3 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा। तो फ्रेंड, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही तुरंत पैन कार्ड अपना बना सकते हैं। इंस्टेंट पैन कार्ड जो बनता है कि तुरंत आपका पैन कार्ड हाथों हाथ बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपना इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, फ्री में पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर देना होगा और वहां पर आपको टाइप करना होगा ई फिलिंग। टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके सीधे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको होम इनकम टैक्स पर इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके सीधे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्विक लिंक्स, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ई फिलिंग 2.0, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्विक लिंक में ही थोड़ा सा नीचे जाना होगा और यहाँ पे लिख रहा है इंस्टेंट ई पैन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, यहाँ पे लिख रहा है ई पैन और यहाँ पे लिख रहा है गेट न्यू ई पैन और यहाँ पे लिख रहा है कि चेक स्टेटस या डाउनलोड पैन। तो यहाँ से आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको एक नया पैन कार्ड बनाना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा गेट न्यू ई पैन पर। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना होगा और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर आपको चेक मार्क लगा करके और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा और यहाँ पे फिर से आपको चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा करके और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना होगा, 6 अंक की ओटीपी रहेगी, उस ओटीपी को डाल करके और यहाँ पर देख सकते हैं चेक बॉक्स में चेक मार्क लगा करके और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और अभी ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं आपका फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, पूरा नाम पता सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे चेक बॉक्स है, चेक मार्क लगा करके और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो ये आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ चुका है। फ्रेंड, इसको आपको कॉपी कर लेना होगा या इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद फिर से आपको इंस्टेंट ई पैन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से लोडिंग ले रहा है, अभी ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड पहले आपने नया पैन कार्ड बनाया है उसके बाद पे चेक स्टेटस या डाउनलोड पैन पर आपको क्लिक कर देना होगा। बोल रहा है कि आधार नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके और आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग, तो पेंडिंग में यहाँ पे लिख रहा है कि थैंक यू फॉर यूजिंग ई पैन सर्विस, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, प्लीज चेक आफ्टर एन हावर, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ घंटे के बाद आपका जो पैन कार्ड है ई पैन कार्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ समय के बाद फिर से मैंने चेक किया और यहाँ पर मेरा जो पैन कार्ड है वो बन चुका था, उसे मैंने डाउनलोड करके रख लिया हूँ। फिर से मैंने अपना आधार नंबर डाला और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी आया, ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पैन कार्ड है वो बन चुका है और यहाँ पे लिख रहा है कि व्यू ई पैन, तो आप यहाँ पे व्यू इन ई पैन पर क्लिक करके आप पैन कार्ड को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ई पैन कार्ड को तो आप डाउनलोड ई पैन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड ई पैन पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा और जो पीडीएफ रहेगा उस पर पासवर्ड लगा रहेगा, तो उस पीडीएफ को आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। डेट ऑफ बर्थ में पहले डेट, मंथ, ईयर,
आपको डाल देना होगा और डालने के बाद वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पैन कार्ड बनके आ जाएगा, इसे मैंने अभी डाउनलोड किया है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में पैन कार्ड बना सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।